वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ आवर ऑप्शन सीरीज स्ट्रेटजी 7 बुल कॉल स्प्रेड। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और सीरीज को कर दीजिए दोस्तों के साथ शेयर, जिससे सभी को ऑप्शन सीखने में आसानी हो। बुल कॉल स्प्रेड, ये स्ट्रेटजी हम यूज़ कभी करते हैं? तो देखिए, ये स्ट्रेटजी हम यूज़ तब करेंगे जब इन्वेस्टर या फिर ट्रेडर को लग रहा है कि शॉर्ट टर्म में मार्केट ऊपर की तरफ जाने वाला है। अब इसके अंदर अगर हम देखें तो रिस्क क्या है और रिवॉर्ड क्या है। रिस्क जो है लिमिटेड है, बिकॉज हमने एक कॉल को बाय किया हुआ है तो एक कॉल को सेल किया हुआ है, तो हमको अनलिमिटेड रिस्क नहीं रहा इसके अंदर। और रिवॉर्ड है, रिवॉर्ड भी लिमिटेड है। और इसी के साथ ये स्ट्रैटेजी का खासियत है क्या, इसमें प्रीमियम भी हमको कम देना होता है, बिकॉज ऑप्शन सेल करने के टाइम में हमने हैवी प्रीमियम दिया और ऑप्शन बाय किया तो हमको हेज हो गया पोजीशन, तो उसके लिए हमको प्रीमियम भी कम देना होगा। तो आइए देखते हैं इसका कंस्ट्रक्शन कैसा होता है। कंस्ट्रक्शन में हम करेंगे एक इन द मनी का कॉल ऑप्शन हम बाय करेंगे और हम एक डीप आउट ऑफ द मनी का कॉल ऑप्शन सेल करेंगे। तो इन द मनी बाय हो जाएगा, आउट ऑफ द मनी सेल हो जाएगा। ये तो हो गया बुक का बात। आइए हम देखते हैं लाइव एग्जांपल। एग्जांपल देखिए, मिस्टर एक्स हैं, उनको निफ्टी अभी 16,000 पे ट्रेड कर रही है। उनका व्यू है कि निफ्टी यहाँ से थोड़ा ऊपर जाने वाली है। अब आप लोग जानते ही हैं 50 का लॉट साइज़ है निफ्टी का, तो उन्होंने 15,800 मतलब इन द मनी का कॉल बाय कर लिया। अब इन द मनी है तो महंगा होगा, 280 रुपये का पड़ा उनको, और उन्होंने एक कॉल ऑप्शन को सेल किया है जो आउट ऑफ द मनी है। अब आउट ऑफ द मनी है तो सस्ता होगा, 60 रुपये में पड़ गया उनको, तो 280 का प्रीमियम उन्होंने पे किया है, 60 रुपये का प्रीमियम रिसीव हुआ है, तो टोटल 220 रुपये का प्रीमियम पे करना पड़ा। एग्जाम्पल वन, निफ्टी 16,000 पे चल रही थी, ये तो हमारा ओल्ड पोजीशन है। मान लीजिए निफ्टी नीचे की तरफ गिरती है तो यहाँ पे हो गया 15,700 रुपये प्राइस आ गई निफ्टी की। अब ओवरऑल हम बुलिश स्ट्रैटेजी की बात कर रहे हैं और मार्केट नीचे गिरा तो नुकसान होना चाहिए, कितना नुकसान हुआ वो देखते हैं। तो पहले हम देखते हैं 15,800 आईटीएम था, निफ्टी गिर गई और 15,700 पे गई, तो 15,800 भी आउट ऑफ द मनी हो गया, तो आउट ऑफ द मनी मतलब ज़ीरो, तो यहाँ पे पूरा 280 रुपये का नुकसान हो गया। और जो यहाँ पे 16,200 था वो ऑलरेडी आउट ऑफ द मनी था, वो भी ज़ीरो हो गया, लेकिन हमने बेचा है तो हमको 60 रुपये रिसीव हो गया, तो यहाँ पे पूरा 3,000 का प्रॉफिट हो गया। तो 14,000 का लॉस माइनस 30,000 का 3,000 का प्रॉफिट, 11,000 का टोटल नुकसान। तो काफ़ी सिंपल था, इसमें कुछ दिमाग लगाना नहीं पड़ा। मान लेते हैं सेम पोजीशन के अंदर निफ्टी अगर हिलती ही नहीं है, 16,000 पे ही आके क्लोज़ होती है तो क्या होगा। अब यहाँ पे हम देखेंगे इन द मनी है। अब इन द मनी में अगर वहीं का वहीं निफ्टी पड़ा है तो 16,000 में से 15,800 माइनस हो गया, क्योंकि हमने 15,800 का कॉल बाय किया हुआ है, तो 16,000 माइनस 15,800 200 हो गया। अब 200 का प्रीमियम बचा है, लेकिन हमने पे किया था 280, 80 रुपये का तो अभी भी नुकसान हुआ है, मतलब 80 रुपये की टाइम वैल्यू ख़त्म हो गई है। 80 × 50 4,000 का नुकसान हो गया, और अगेन 16,200 में पूरा प्रॉफिट मिलेगा जैसे पिछले केस में मिला था। तो मैं एक्चुअली थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ, तो आप लोग पॉज करके भी कैलकुलेशन कर सकते हो, और अगर आप लोगों को ऑप्शन कैलकुलेट करने नहीं आता तो पुरानी वीडियोस को देख लो, जहाँ पे सिंपल स्ट्रैटेजीज़ में कैलकुलेशन किया हुआ है, तो आपको इजी समझ में आ जाएगा। तो 4,000 का नुकसान और 3,000 का प्रॉफिट, तो टोटल 1,000 का नुकसान हो गया। अब यहाँ पर ऐसा है, निफ्टी हिली ही नहीं तो भी 1,000 रुपये का नुकसान हो रहा है, क्योंकि बुलिश स्ट्रैटेजी है, जब तक मार्केट ऊपर जाएगा नहीं हमको प्रॉफिट होगा नहीं। अब देखते हैं निफ्टी 16,400 चली गई। अब यहाँ पे देखो गेम में असली मज़ा आएगा, 15,800 का आईटीएम था और निफ्टी चली गई 16,400, तो 16,400 माइनस 15,800 मतलब 600 रुपये का प्रीमियम हो जाएगा। अब ऐसा है 600 रुपये का प्रीमियम होगा, बट 280 रुपये का प्रीमियम तो हमने ऑलरेडी पे किया हुआ है, तो हमको टोटल 320 रुपये के प्रीमियम का प्रॉफिट होगा, मतलब 16,000 का प्रॉफिट। और उसी के साथ में अगर हम देखेंगे 16,200 का कॉल था, अब ये आउट ऑफ द मनी है। अब आउट ऑफ द मनी था तो 16,400 माइनस 16,200, अब इसका प्रीमियम भी हो गया 200 रुपया। अब 60 रुपया हमको रिसीव हुआ है और 200 रुपया हमने पे किया है, तो टोटल 140 रुपये का हमारा नुकसान हो गया।
तो ऊपर हो गया 16,000 का प्रॉफिट और यहाँ हो गया 7,000 का नुकसान, तो टोटल हमको 9,000 का प्रॉफिट हुआ है। तो ओवरऑल ये स्ट्रैटेजी काफ़ी सिंपल है, इसमें एक लेवल के बाद नुकसान भी नहीं होता है और एक लेवल के बाद प्रॉफिट भी नहीं होता है। तो ये है बुल कॉल स्प्रेड। ये स्ट्रैटेजी तब यूज़ करते हैं जब हमारा व्यू होता है मार्केट ऊपर जाएगा और हमको बहुत ज़्यादा प्रीमियम पे नहीं करना है और बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं उठाना है, उस कंडीशन में हम ये स्ट्रैटेजी को यूज़ करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट स्ट्रैटेजी के साथ में। ये पूरी सीरीज़ वॉच आउट कीजिए, आई एम डैम श्योर आप ऑप्शन का कैलकुलेशन बहुत अच्छी तरीके से सीख जाओगे। फाइनेंस से रिलेटेड वीडियोज़ को देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल फैल्कन फिन और साथ ही साथ क्लिक कीजिए बेल आइकॉन पे, जिससे आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे।